पूरा बैलेंस शीट क्या होती है पॉइंटर कैसे निकालना है हमने पूरा बैलेंस शीट करा था सेट तो आप जब मास का मटेरियल पॉइंटर पे बैलेंस शीट के मतलब आप को रेस्ट मास के ब्रैकेट में लिखना एम नॉट एंड पोर वैल्यू सिटी ब्रैकेट में लिखना यू मी द प्रोडक्ट ऑफ रेस्ट मास एंड पोर वैल्यू सिटी यू मी इज नोन एज पोर मोमेंटम इज नोन एज पोर मोमेंटम आगे लिखिए द कंपोनेंट ऑफ फोर मोमेंटम द कंपोनेंट ऑफ फोर मोमेंटम चार मोमेंटम पहले फॉर्मूला लिखना फिर ये लिखिए चार by the thing
by using relativistic mass formula. By using relativistic mass formula. अब देखो relativistic mass formula का क्या हमने उसको पढ़ा है कैरेक्टर में m equals to m not under root minus u square over ये होता है relativistic mass. relativistic mass का मतलब होता है इस mass का कोई भी ना ये तो ऐसे mass में तो कभी चेंज नहीं होता. जैसे आपके frame की velocity चेंज होती जाएगी mass चेंज होता जाएगा. तो ये relativistic mass है. relativistic mass velocity पर depend करता है. जैसे जैसे आपकी velocity चेंज होती है तो मास भी चेंज होता है. वैसे मास कभी चेंज नहीं होता है. ये बताया था आइंस्टीन ने. आइंस्टीन ने बताया था कि मास जरूरी नहीं है चेंज ना हो. मास चेंज हो सकता है. वेलोसिटी पर डिपेंड करता है. अगर वेलोसिटी चेंज होती है किसी फ्रेम की तो इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट का मास भी चेंज हो सकता है. लेकिन ये यार आपका रेस्ट मास तो कभी चेंज नहीं हो सकता. तो ये रिलेटिविस्टिक मास और रेस्ट मास के बीच में रिलेशन है. एम इक्वल्स टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट माइनस यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर. एम इक्वल्स टू एम नॉट. और ये किसकी वैल्यू होती है? 1 अपॉन अंडर रूट माइनस यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर गामा. इसमें क्या लिख सकते हैं? गामा देख सकते हैं. तो यहाँ पर जो भी गामा यू है एम और गामा यू सबको रिप्लेस कर दूंगी मैं एम से. आप देखो जरा पी वन की वैल्यू कितनी है? एम यू एस सिटी एम यू वाई एम पी फोर एम. अब इसे कोई से चेंज कर लूँ. ऊपर सी का मल्टीप्लाई नीचे सी का डिवाइड एम सी स्क्वायर एनर्जी. तो फोर्थ कंपोनेंट जो मोमेंटम होता है उस पर डिपेंड करता है एनर्जी के एनर्जी चार. अब इसमें डालिए. अब जैसे आपने सबसे पहले फुल वेक्टर फॉर्मूला पढ़ा था कि x mu और x meter दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस बराबर रहते हैं. फिर भी किया u mu वेलोसिटी के लिए और u mu डैश का होल स्क्वायर दोनों फ्रेम ऑफ के लिए बराबर रहते हैं. अब प्रूव करना है मोमेंटम के लिए p mu और p mu डैश दोनों फ्रेम ऑफ बराबर रहते हैं. तो ये जो बराबर की कंडीशन आती है सबके लिए अच्छा लगता है. मैंने लिखा है दोनों टॉपिक डालना. अब टॉपिक में डालने के बाद पहला टॉपिक डालिए इनवेरियंस ऑफ मोमेंटम. मतलब मोमेंटम का इनवेरियंस पढ़ना है. इनवेरियंस ऑफ फोर मोमेंटम ओनली मोमेंटम नहीं. इनवेरियंस ऑफ फोर मोमेंटम. अब देखो जरा. अब पहले मुझे पी म्यू निकालना है. पी म्यू और पी म्यू डैश की वैल्यू दोनों में सेम आनी चाहिए. आ जाओ पहले पी म्यू निकालो. समीशन पी म्यू और मी क्यू वैल्यू M not square, C square, gamma U square, I'm going to square the column of the
minus मैंने कॉमन क्या लिया सी स्क्वायर कॉमन लिया माइनस का कॉमन लेना पड़ेगा तभी तो ये वन माइनस थ्री माइनस का सी स्क्वायर कॉमन लोगे तभी तो ये वन माइनस थ्री स्क्वायर और सी स्क्वायर बनेगा माइनस एन नॉट स्क्वायर एन नॉट क्या एन नॉट थ्री एन नॉट क्या होता है वेज मास कौन सा होता है अरे बातें नहीं Thank you.
सेकंड एड्रेस तो इनवेरियंस निकल गया चढ़ा लो एनर्जी मोमेंटम रिलेशन क्या लिख सकते हैं एम नॉट गामा यू यू एम और एम नॉट और गामा यू को क्या लिख सकते हैं एम लिख सकते हैं तो इसको मैं लिखू है एक्स अरे पीछे बाहर मत करो मुझे एनर्जी लॉरेंस के चार दोस्त बताने थे ताकि आपके डॉक्टर से कह रहे हैं मैंने भी कहा है नहीं फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक पर गए आपको पता है ये जानते हो Thank you.
चलो पहले बोल मोमेंटम की और एक साथ हम इसके लिए ना मैट्रिक्स फॉर्म लेंगे लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कॉरेक्स ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम कॉरेक्स इन मैट्रिक्स फॉर्म अब जो चलेगी वो चलेगी पी के लिए क्या चलेगी आप Thank you.
बहुत बोल रहे पढ़ लो कल एक फोर पहले से दिन निकाली फोर वेटर निकाल लिया अब फोर लेटर निकालेंगे अब मुझे ये बताओ फोर का कौन सा फॉर्म मैं यूज़ करूँ जिससे मैं फोर को निकालूँ आजकल पहले से निकाली तो मोमेंटम आया फोर के लिए तो फोर कम पहले से क्या मोमेंटम निकाल चुके ना ये मिडल निकाला है बिना तो ये ही बात वेलोसिटी ऑफ मोमेंटम का फोर्स का फॉर्मूला बताओ जो इन दोनों का यूज करके मैं फोर्स निकाल सकता हूं होना चाहिए फोर्स का ऐसा फॉर्मूला तो क्या केवल बी से निकले या आपके पास पी से मोमेंटम से बताओ इलेवेंथ क्लास में है उनको फोर्स का मोमेंटम के लिए तो आगे प्रेजेंटेशन से ये इंटरवेंशन है जैसा मैं बच्चे में डिटेल का सही लो आई थिंक इट्स पुट अप ही तो ये तो कोर्स होता है ना टीवी अब क्या है
सीधी और बताइए पहले करते जाइए हां तो करते जाइए और ये लिखने के फोर मोड्स है तो ये तीन काम के करते पास काम करेंगे हम क्योंकि फोर मोड्स के लिए ये कंप्यूटर फ्रेंड्स टोकेंस आगे हम और देखने का है पहले हम निकाल दी हुआ दी तो इसमें मामले में पहले निकालना है सर डेफिनेशन लिख लीजिए बाय यूजिंग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन मींस रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज नोन एज फोर्स is known as force force ab samajh lo pehle fir note kar f1 nikalna maine abhi p1 likh lo aapko maine p2 ki value batayi thi ka abhi p2 ki value data td aur under root one minus c plus td ye kya hota hai डीटो को बोल रही हूँ देखते जाना तो गामा यू डी ओवर गामा यू पी वन कितना था पी वन की वैल्यू एम यू एस एम यू एस था गामा यू एम यू एस क्या होता है डी पी एस ओवर डी पी ओवर डी टी क्या होता है एफ डी क्या होता है आप निकालना है अब तो निकालो कितनी हो एफ टू हो जाएगा सॉल्व करके एफ थ्री हो जाएगा हाँ पूरा कॉपी करके जो मैंने लिखा अभी जब फोर का समय तो फोर नहीं आएगा सो क्या होगा पी ओ आई का सात पी ओ हम आई को पी ओ आई पी ओ की वैल्यू आई का ये कौन सी हम आई को आई का वन सी कॉन्स्टेंट पहले फॉर्मूला लिखना फिर चालू निकालो
स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर फोर्स एंड फोर वैल्यूज, फोर फोर्स एंड फोर वैल्यूज, फोर फोर्स और फोर वैल्यूज के नाम आपको स्केलर प्रोडक्ट करना है। क्या लिख सकते हो, एम नॉट, अब मुझे करना है और फोर मोमेंटम का, फोर मोमेंटम होता है और डॉट करना है मुझे। अब यूनिट कॉन्स्टेंट और ये इसको किसके बराबर आया था जब आपने वहां पे यू स्क्वायर बात किया था, यू स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर आया था माइनस सी स्क्वायर, हिसाब से माइनस सी स्क्वायर हाँ था वो माइनस सी स्क्वायर था। लेकिन समीशन था, लेकिन समीशन था, इसको भी क्वेश्चन में समीशन टिक कर रही हूँ, मतलब ले रही सबमिशन सबमिशन वेरिएबल पे आता है समीशन, इसकी वैल्यू क्या रख सकती हूँ, कांस्टेंट सी के रिस्पेक्ट में, अगर वो टॉप की रिस्पेक्ट में पर लिया ही एम नॉट क्या है जीरो, कांस्टेंट इन दोनों का जो स्केलर प्रोडक्ट ऐसे ही वैसे तो मैंने करा कि इसको मान लेते हैं। अच्छा
ये बाहर लेके तो यहाँ कर सकते हो, इसको बाहर लेके एक ही शब्द हो जाएगा बड़ा भी वो इतना अलग अलग शो करके दिखाया है। ये वाली तो आप ऐसे भी जीरो कर दो, यहीं से हटा दो। Thank you.